Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. This is Momi. Today I'm gonna show you how to style a black saree with classy jewelries, shoes and makeup. और ये है मेरा clean and clear skin जिसके ऊपर मैं apply कर रही हूँ L'Oreal Hyaluronic Acid Serum. 1 फरवरी को मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी. अभी मैं LA Girl Pro का येलो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेरे आईब्राउ बोन पर. आई बेस रेडी है और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ QI बेस्ड ओल्ड फैशन पैलेट और इसका ये लाइट ब्राउन सा शेड मैं अपने ट्रांजिशन पर अप्लाई कर रही हूँ. इसको अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो डार्क ब्राउन शेड है उसको अपने आई लिड पर प्लेस कर रही हूँ. ये आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा ईजी है. अगर आप बिगिनर हो तो भी ये आई मेकअप ट्राई कर सकते हो और अगर आप प्रो हो तो भी आप ये आई मेकअप ट्राई कर सकते हो. अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप ये आई मेकअप ज़रूर ट्राई करें. ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और सेक्सी लुक देता है. इस डार्क ब्राउन शेड को आपको पूरा का पूरा अपने आईलिड पे स्प्रेड करना है. जो बचा हुआ आई शेडो है वो मैं लोअर आईलिड पे स्मज कर रही हूँ. इससे एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट आएगा आँखों में. अभी मैं QI बेस्ड का सिल्वर वायलेट हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इसका शेड है 02. ये मैंने बहुत ही कम लिया है क्योंकि अगर आप डे टाइम मेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादा हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता है, बट ये आई मेकअप आपको डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में ही सूट करेगा. अभी मैं L18 का आई ड्रामा काजल यूज़ कर रही हूँ. ये मेरा बहुत ही फेवरेट काजल है. इस काजल को स्मज करना बहुत ही इजी है इसलिए मुझे ये काजल बहुत पसंद है स्मोकी आई के लिए. यहाँ पे मैं जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ कर रही हूँ उन सारे के सारे चीज़ों के डिटेल्स और परचेजिंग लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अभी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मज कर रही हूँ और जो डार्क ब्राउन शेड मैंने अप्लाई किया था उसके साथ इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से. अभी मैं एक लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और मुझे विंग लाइनर बहुत पसंद है इसलिए मैं आज भी एक विंग लाइनर ही क्रिएट कर रही हूँ. आई मेकअप इज डन. नाउ आई एम प्राइमिंग माई फेस विथ मेबेलिन मास्टर क्रोम प्राइमर और ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे कोई भी चीज़ ब्लेंड करना पसंद है. और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ LA Girl Pro कंसीलर और इसका शेड है येलो. आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कम्प्लेक्शन मेरे जैसा है. और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि ये मेरे स्किन टोन से लाइटर है. ऑब्वियसली ये मेरे स्किन टोन से लाइटर है और ये मुझे पता भी है. मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप के लेयर्स पसंद नहीं है. आप बहुत दिनों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता ही है कि मेरे स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्ने स्कार नहीं है, इसलिए मेरे स्किन के ऊपर मेकअप के ज़्यादा लेयर या फिर पहले फाउंडेशन उसके बाद कंसीलर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपका स्किन प्रॉब्लमेटिक है, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा स्कार है, तो आपको पहले फाउंडेशन और उसके बाद कंसीलर के लेयर देना ज़रूरी है. अगर आपका फेस मेरे जैसे प्रॉब्लम फ्री है तो आप फाउंडेशन और कंसीलर दोनों की लेयर मत करें, ओनली फाउंडेशन या फिर ओनली कंसीलर यूज़ करें क्योंकि हेवी मेकअप नेचुरल नहीं लगता है. अभी मैं LA Girl Pro का महागोनी शेड यूज़ कर रही हूँ फॉर कंटोरिंग माय नोज. कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रिमेल का स्टे मैट कम्पैक्ट पाउडर. और अगर आपको इस कम्पैक्ट पाउडर के शेड गाइड और रिव्यू वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो ज़रूर बताएं. और कंटूरिंग को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रिमेल का नेचुरल ब्रॉन्जर. और अभी है ब्लश की बारी. तो ये है वेट एंड वाइल्ड कलर आइकॉन ब्लश और इसका शेड है शायद पार्लेस्क पिंक. फिर से मैं QI बेस्ड की हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इसका छोटा छोटा पार्ट मैं अपने नोज़ पर, ब्राउ बोन पर अप्लाई कर रही हूँ. QI बेस्ड का ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है. ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है.
इसका एक टाइनी अमाउंट ही बहुत है आपके फेस के लिए। और अगर आपको क्यू आई बेस के सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको क्यू आई बेस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के जो रिव्यू वीडियो है वो मिल जाएगा। अभी चिकबोन को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फैन ब्रश लिया है। लिप कलर के लिए मैंने आज यहाँ पे यूज़ किया है बॉन्जोर पैरिस का 2-in-1 लिपस्टिक, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिए। इसका ऑरेंज रेड शेड मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी मैं हाथों की हेल्प से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। ये लिपस्टिक बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करता है, तो आप इजीली इसको लेकर ब्लेंड कर सकते हैं। अभी मैं क्यू आई बेस्ड का ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू बॉर्डर माई लिप्स एंड मेक इट बोल्ड। हल्के हाथों से मैं वो ब्राउन लाइनर के साथ रेड लिपस्टिक को स्मज कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी हार्श लाइन अच्छा नहीं लगता है। और मैंने यहाँ पे ये ब्राउ पेंसिल यूज़ किया है क्योंकि ये जो इसका जो टिप है ना वो बहुत ही शार्प है, तो ये लाइन करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और अभी मैं मिस रोज़ की पिंक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है, ये लिप्स को मॉइस्चराइज्ड रखता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका शेड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इस मेकअप को थोड़ा सा और बोल्ड बनाने के लिए आपको लिप ग्लॉस की ज़रूरत है, और मैंने यहाँ पे वही बॉन्जोर पैरिस 2-in-1 की लिप ग्लॉस यूज़ की है। और अभी मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ टू कर्ल माई लैशेस, और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी मैं आपको इसके साथ दिखाती हूँ इसका आउटफिट, ज्वेलरी एंड शूज़। तो ये है मेरी ब्लैक सेक्सी गॉर्जियस जॉर्जेट साड़ी, और इसके जो गोल्डन बॉर्डर है इसके लिए मैंने इसके साथ गोल्डन नेल पॉलिश यूज़ किया था विथ द नेल एक्सटेंशंस। मैं इस नेल एक्सटेंशन और नेल पेंट की कलर और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरा हेयर नेचुरली स्ट्रेट है, अगर आपका नहीं है तो आप स्ट्रेट करवा ले और उसके साथ ये ब्लैक साड़ी पहने तो अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने ये गोल्डन शूज़ पहने थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक ब्लैक वेलवेट चूड़ी की सेट पहनी थी और उसके साथ ये ब्लैक बीड्स की नेकलेस। आप चाहे तो इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको सेक्सी बोल्ड लुक चाहिए तो आपके लिए ये ब्लैक ज्वेलरी सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ब्लैक सबसे ज़्यादा सेक्सी कलर है। तो अगर आप ब्लैक ज्वेलरी और ब्लैक एक्सेसरीज यूज़ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये लुक आप सरस्वती पूजा में भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको ब्लैक साड़ी पसंद है तो, या फिर आप कोई भी नाइट टाइम फंक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस साड़ी को और ज्वेलरी को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको या फिर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स को ब्लैक साड़ी पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, तो ये ट्यूटोरियल उसके साथ आप ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। गुड बाय।